लद्दाख। पिछले कुछ दिनों में हमें लद्दाख में एक पीसफुल प्रोटेस्ट देखने को मिला है, लेकिन आज के दिन लद्दाख को एक वॉर जोन बना दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही है, हर जगह पे चेकिंग किए जा रहे हैं, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन्हें भी धीरे धीरे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर, जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। ये है सोनम वांगचुक, और लद्दाख के प्रोटेस्ट को ये कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिखे हैं हमें। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने 21 दिनों का फास्ट तोड़ा था। उस फास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ पानी और नमक पे 21 दिनों तक जिंदा थे। आपने थ्री इडियट्स तो देखा ही होगा और आप फुनसुक वागलू को जानते ही होंगे। ये कैरेक्टर सोनम वांगचुक के लाइफ पे ही बेस्ड है, लेकिन आज हम इस वीडियो में सोनम वांगचुक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। क्यों लद्दाख के लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों आज के दिन भारत की गवर्नमेंट लद्दाख के मुद्दे पे चुप्पी साध रखी है, आइए आपको बताता हूं मैं इस वीडियो में। ऐसे में हमें लग रहा है कि ना उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, ना सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लद्दाख के लोगों की चार बड़ी मांगे हैं। पहली मांग है लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले, दूसरी मांग है लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए, तीसरी मांग है सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, और चौथी मांग है लद्दाख का थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में। इन चार मुख्य मांगों में से दो ऐसी बड़ी मांग है जिसके बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली मांग है कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले। तो चलिए शुरुआत से शुरुआत करते हैं। बात है 2019 की, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर बन गया था और दूसरा लद्दाख बन गया था, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। अब इसके बाद जब ये हुआ था, 370 अबॉलिश हुआ था, उसके बाद लद्दाख में एक सेलिब्रेशन सा हो गया था, सारे लोग खुश थे वहां के, क्योंकि इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंडर जब लद्दाख आता था तो जितने भी पैसे वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास आते थे वो जम्मू और जम्मू के आसपास जो एरिया है उसके डेवलपमेंट में चले जाते थे, यानी कि लद्दाख तक पैसा पहुंचता ही नहीं था। तो जब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था तो लद्दाख के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन फिर आप एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं जिन्हें फुल स्टेटहुड दे दी गई थी, और एक तरफ आप देखते हैं लद्दाख के नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इसका मतलब अब सेंटर कंट्रोल करने लग रही थी लद्दाख को। आज के दिन लद्दाख को एक LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल करते हैं, जो कि सीधा सीधा सेंटर डिसाइड करता है कि कौन LG बनेगा वहां का, यानी कि सेंटर ही कंट्रोल करता है लद्दाख को पूरा का पूरा। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, आप सभी एक बात बताइए मेरे को कि क्या दिल्ली में बैठकर कोई बता सकता है कि लद्दाख के लोगों को क्या चाहिए और लद्दाख के लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है? क्या दिल्ली में बैठकर कोई डिसाइड कर सकता है? थोड़े और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलिए मान लेते हैं आप एक स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट का एक CM है, जिस CM को डेमोक्रेटिकली आप सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि भाई कौन बनेगा वो। अब मैं उस CM को वहां से हटा देता हूं, उस आपके रिप्रेजेंटेटिव को वहां से मैं हटा देता हूं और मेरे एक दोस्त को वहां पे मैं डाल देता हूं और बोलता हूं कि भाई आज से तू ये स्टेट कंट्रोल करेगा और जो भी डिसीजन है तू लेगा भाई इस स्टेट का। आपका चुना हुआ मंत्री अब वहां से हट चुका है, कैसा लगेगा आपको? लगेगा ना कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? बस ऐसा ही कुछ हो रहा है लद्दाख में। भारत देश एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन यही होता है कि हम अपनी सरकार तो चुन सकें, वोट देकर तो हम डिसाइड कर सकें कि किसे चाहते हैं हम अपनी सरकार में। लेकिन आज के दिन लद्दाख में ये सब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं इनकी दूसरी मांग के बारे में, जो कि है 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को लाया जाए। अब ये चीज जानने से पहले कि 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को क्यों लाया जाए, 6 शेड्यूल क्या है ये जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, और इन सब चीजों में इंक्लूसिवनेस बनाए रखने के लिए 1949 में आर्टिकल 244 के अंडर 6 शेड्यूल को लाया गया था। अब ये 6 शेड्यूल एक स्पेशल राइट्स देता है एक ट्राइबल कम्युनिटी को, अपना जो इमेज है अपनी जो आइडेंटिटी है उसे प्रिजर्व करने के लिए। अब अगर कोई एरिया 6 शेड्यूल के अंडर आता है तो वहां पे ADC बनाने की इजाजत दी जाती है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है वहां पे। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक लोकल गवर्निंग बॉडी जैसी होती है, जो भी डिसीजन होता है उस लोकल एरिया के लिए वो सीधा सीधा ADC ही लेती है। देखिए लद्दाख में आज के
दिन लेजिस्लेचर तो है नहीं, यानी कि विधानसभा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। तो बेयर मिनिमम लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि वहां पे एडीसी बनाने की उन्हें इजाजत दे दी जाए, यानी कि उन्हें अधिकार दे दिया जाए कि वहां पे एक एडीसी तो रहे कम से कम। अब एडीसी के पास लिमिटेड पावर होते हैं, लेकिन एडीसी के अंदर जो लोकल कस्टम्स हैं, लोकल कल्चर है और लोकल लैंड है, वो सब कुछ एडीसी के अंडर आता है। की पॉइंट, लैंड, अगर उस लैंड को किसी को लेना है या फिर उस लैंड में किसी को कुछ करना है, तो सबसे पहले एडीसी से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे होता यह है कि लोकल ट्राइब्स, लोकल कम्युनिटी अपना लैंड एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। आज के दिन 6th शेड्यूल के अंदर भारत में 4 स्टेट आते हैं। पहला है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और बाकी भारत में 10 और ऐसे रीजन है जो की 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। और 5th शेड्यूल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे वीडियो में। लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करने की जो बात चल रही है, आप सभी को लग रहा होगा कुछ नया मांग कर रही है लद्दाख की जनता। इलेक्शन आने वाले हैं तो ये नई मांग रखने या रोड पे आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख के लोग एक्चुअली 6th शेड्यूल की मांग बहुत सालों से कर रहे हैं, और सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं। 2019 में जो इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें 3rd बिंदु में बीजेपी ने लिख रखा था कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड करेंगे जीतने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। इसके बाद भी लद्दाख में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि आप लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर लाओगे, लेकिन आप नहीं लाए। फिर भी वहां पे सरकार के बहुत सारे लोग जाते हैं और बोलते हैं कि इस बार अगर हम जीतेंगे तो आपको ले आएंगे। 2019 में मैनिफेस्टो में लिखा था सरकार ने कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर लाएगी, लेकिन आज भी लद्दाख 6th शेड्यूल के अंडर नहीं आता है। देखिए, 6th शेड्यूल के अंडर लद्दाख के लोग क्यों लाना चाहते हैं लद्दाख को, क्योंकि वो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है, वहां का जो लैंड है, उसे बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा एक्सप्लॉइट होने से बचाना चाहते हैं। अब एक्सप्लॉइट होने से क्यों बचाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब जब आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया था, तो लद्दाख पूरी दुनिया के लिए खुल गया था। मतलब यहाँ के लैंड को कोई भी खरीद सकता था और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहे, कुछ भी बनाना चाहे तो वो बना सकता था। और ऐसे ही कुछ कॉर्पोरेट्स ने जोशी मठ को आज के दिन तबाह करके रखा है। जोशी मठ डूब रहा है आज के दिन कॉर्पोरेट्स के वजह से ही। एक समय पे जोशी मठ एक बहुत ही खूबसूरत एरिया हुआ करता था। कुछ ही साल पहले भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बड़े बड़े मशीन्स के वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जोशी मठ एक स्लोप पे मौजूद है और यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो जोशी मठ बहुत ही वनरेबल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए, और फिर जब कॉर्पोरेट्स ने अपने काम स्टार्ट किए यहाँ पे, तो ये सारी दीवार जो है वहां पे बड़े बड़े दरार पड़ने लगे, यानी कि जोशीमठ जो एक वनरेबल एरिया था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा। और ऐसा ही कुछ कुछ दिनों में लद्दाख के साथ भी हो सकता है, और इसी चीज को लेकर लद्दाख की जनता बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है। अब जब 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को ला दिया जाएगा, तो एडीसी वहां की सारी जमीन कंट्रोल कर पाएगी, यानी कि अगर किसी को कुछ करना भी है तो सबसे पहले एडीसी को उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और एडीसी वही करेगी जो कि लोकल ट्राइब्स के हित में होगा, वो नहीं करेगी जो कि कॉर्पोरेट्स के हित में होगा। बात समझने की कोशिश करिए आप। अब लद्दाख में इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। 21 दिनों तक सोनम वांगचुक जी ने प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद यहाँ की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, और अब वहां के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये फास्ट का जो साइकिल है, ये चलते रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, या फिर सरकार मिनिमम इनसे बात करने नहीं जाती है। सोनम वांगचुक ने जैसे ही अपना फास्ट कंप्लीट किया था, उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने एक रैली का ऐलान किया था। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। इस रैली का नाम होने वाला था पश्मीना रैली, और ये रैली चाइना और इंडिया के बॉर्डर तरफ जाने वाली थी। 7 अप्रैल 2024 को इस रैली की शुरुआत होनी थी, और ये सीधा चाइना इंडिया बॉर्डर पे जाती, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती थी। वहां पे ये दिखाना चाहती थी कि कैसे चाइना धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर चुका है, भारत यानी कि लद्दाख पर कब्जा करना शुरू कर चुका है। वो वहां पे जो ग्रेजिंग एरिया होता है, मतलब जो गाय भैंस को चराने का एरिया होता है, वहां पे 4,000 स्क्वायर किलोमीटर तक चाइना अभी तक कब्जा कर चुका है। और जब भी इस जियोपॉलिटिकल इशू पे बात आती है, तो भारत की सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साध देती है। इसी चीज को एक्सपोज करने के लिए सोनम वांगचुक जी एक रैली निकालने वाले थे, लेकिन जैसे ही इस रैली की खबर सरकार तक पहुंचती है, वहां पे वो फोर्सेस डिप्लॉय करने लगते हैं, वहां पे वो इंटरनेट को शटडाउन करने की कोशिश करने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2G अलाउड रहता है, 3G, 4G, 5G और Wi-Fi इन सारी चीजों पर बैन
बैन लगा दिया जाता है, हर एक कोने पे एक चेक पॉइंट बनाया जाता है और आर्टिकल 144 इम्पोज कर दिया जाता है, यानी कि चार लोग से ज्यादा एक जगह पे अब रह ही नहीं सकते। सोनम वांगचुक बताते हैं कि ये सब सरकार ओवर रिएक्ट कर रही है हमारी इस रैली को लेकर, ऐसा कुछ इतना बड़ा इस रैली में होना भी नहीं था, हम सिर्फ दिखाना चाहते थे कि कैसे चाइना धीरे धीरे भारत के ऊपर कब्जा करने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार हमारी इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इतना सारा फोर्सेस वो यहाँ पे डिप्लॉय करने लग रही है, ऐसा कहना था सोनम वांगचुक जी का। अब इन सब चीजों को देखते हुए सोनम वांगचुक जी इस रैली को कॉल ऑफ कर देते हैं, यानी कि कैंसल कर देते हैं इस रैली को वो, क्योंकि वो कहीं से भी इस प्रोटेस्ट में वायलेंस को नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो जैसे ही वायलेंस को इस प्रोटेस्ट में ला देंगे उनकी मेहनत और प्रोटेस्ट पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए आज के दिन सरकार इनकी मांग सुन ही नहीं रही है, और सुनेगी नहीं तो इसके ऊपर एक्ट कैसे करेगी वो, और मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार इनकी मांग सुनना चाह भी नहीं रही है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 6th शेड्यूल है ये भारत के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही बेसिकली बनाया गया था, क्योंकि आज के दिन हमें वहीं पे दिखता है ये 6th शेड्यूल ज्यादातर, और भारत में जो बाकी एरियाज है वहां पे हमें 5th शेड्यूल के अंदर बहुत सारे रीजन्स आते हुए दिखते हैं। अब ये 5th शेड्यूल का बात ये रहता है कि इसके अंडर जो भी रीजन्स आएंगे वो स्टेट गवर्नर डायरेक्ट कंट्रोल करेगा उन रीजन्स को, मतलब वहां पे स्टेट गवर्नर का बेसिकली राज रहेगा, ADC और ये सब बाकी चीजों का वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। अब लद्दाख वाले प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दीजिए, अगर भारत सरकार उनकी बात मानकर उन्हें 6th शेड्यूल में ऐड कर देती है तो ये जो बाकी एरिया है भारत के जो कि अभी 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं वो भी धीरे धीरे मांग करने लगेंगे कि भाई हमको भी आप 6th शेड्यूल में ऐड करिए, हम कौन है, हम कोई अलग है क्या? तो कहीं ना कहीं शायद सरकार ये चीज नहीं करना चाहती है। अब दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, एक तरफ हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ हमें चाइना देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक क्लियर चेन ऑफ कमांड की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, और ये क्लियर चेन ऑफ कमांड जो LG और वहां के फोर्सेस होते हैं उसके बीच के जो बातचीत होती है उसे इजी बना पाती है बेसिकली, और जब वहां पे आप ADC बना देंगे तो वहां पे लेवल्स आ जाएंगे और उस लेवल्स के वजह से ये क्लियर चेन ऑफ कमांड हट जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को लाया जाता है तो वहां की सिक्योरिटी जो रहेगी उसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। ये देखिए ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूं ये मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार को जाके लद्दाख के लोगों को बोलना चाहिए, अगर वो बात करना चाह रही है तो वहां पे एक पीसफुल डायलॉग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि लद्दाख के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक वायलेंट वे से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार दिया जाता है, जिस अधिकार को लद्दाख के लोग बस यूज कर रहे हैं। फिर से यहाँ एक पीसफुल डायलॉग की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार को इंटरवीन करना ही चाहिए इस मैटर में और समझाने की कोशिश करनी चाहिए लद्दाख के लोगों को, अगर वो देना चाहती है नहीं देना चाहती है, और देना चाहती है तो जल्द से जल्द दे दे, अगर वो 2019 में प्रॉमिस की थी तो आज तक क्यों नहीं दे रही है, और नहीं देना चाहती तो क्यों नहीं देना चाहती है, लद्दाख के लोगों से डायरेक्ट बातचीत हो ये तो सब चीज क्लियर हो जाए। अब क्या सोचते हैं आप लद्दाख इशू के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।